नमस्कार, मैं दिव्या, आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। जिले के पंडरी थाना इलाके में लड़कियों के स्टाम्प पर हो रही खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने प्रेस वार्ता करके अपना स्पष्टीकरण भी जारी किया है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी और जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में एक ऑपरेशन के तहत इस घटनाक्रम का खुलासा मीडिया के द्वारा किया गया था। करीब 3 साल बाद दोबारा अन्य मीडिया द्वारा मामले को उठाया गया है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि 2019 के इस मामले में भिलवाड़ा प्रशासन और पुलिस में 25 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी करते हुए इस दलदल में फंसी 6 लड़कियों को आज़ाद करवाया गया था, जिसमें से एक नाबालिग लड़की थी, जबकि कुछ लड़कियों का पुनर्वास किया जा चुका है। वहीं SP आदर्श सिद्धू ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि 2019 में भी मीडिया द्वारा इस ऑपरेशन के जरिए देह व्यापार के इस कारोबार का खुलासा किया गया था, जिसके बाद लगातार पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और कई संदिग्धों को गिरफ्तार करते हुए इस दलदल में फंसी लड़कियों को बाहर निकाला था। उसके बाद से लगातार भिलवाड़ा पुलिस पीछा एक्ट के जरिए कार्रवाई को अंजाम देती रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आ गई थी, इस मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया जाता रहेगा। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान हाल ही में जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में हुए हादसे का भी जिक्र निकल कर के सामने आया है, जिस पर स्पष्टीकरण देते हुए PMO डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि NICU वार्ड में वार्मिंग मशीन की ओवरहीटिंग से 2 बच्चों की मौत हो जाना एक बड़ी लापरवाही थी, जिस पर जिम्मेदार डॉक्टर को नोटिस देने के साथ ही स्टाफ में 2 कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई। उन्होंने बताया कि 4 सदस्य डॉक्टरों की टीम ने अपनी जाँच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपी है, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। हमारे संज्ञान में लाया गया, इस पर हमने जांच की, बट अगर किसी ने ये मुद्दा उठाया है तो इस पर तो अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अभी कोई कंप्लेंट नहीं है, तो फिर नेशनल मीडिया में इशू कैसे चल रहा है? हम भिलवाड़ा के लोगों को तो इशू नहीं है ये। ये 26 तारीख को रिपोर्ट हुआ था और हमें ऐसा लगा कि किसी भी चीज़ का के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देने के पहले उसको डिटेल में स्टडी कर लिया जाए ताकि हम फैक्ट्स पर सही हों। और जब हम फैक्ट्स पर सुदृढ़ हैं, हमने अपने आप को क्रॉस चेक किया, जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनसे वापस बातचीत की, जब हमने फैक्ट्स वेरीफाई कर ली, उस पर थोड़ा सा समय जरूर लगा, लेकिन उसके बाद हम पूरे फैक्ट्स के साथ आपके सामने कि ये जो केस हमारे संज्ञान में लाया गया, हमने जाँच की, बट अगर किसी ने ये मुद्दा उठाया तो इस पर तो अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अभी कोई कंप्लेंट नहीं है, तो फिर नेशनल मीडिया में इशू कैसे चल रहा है? हम भिलवाड़ा के लोगों को तो इशू नहीं है ये। आप सभी जानते हैं कि मीडिया में आया और उसके बाद फिर विभिन्न मीडिया हाउसेस ने पिकअप किया है, तो आई थिंक इस पर तो जवाब देना मेरे कोई भी स्टोरी है। अगर करंट अफेयर्स में कुछ हुआ नहीं है तो 3 साल पहले या 5 साल पहले के इंसिडेंट को अभी हाईलाइट होने की चिंता रही सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ था, जो जिसको कि कल नेशनल मीडिया ने भी कवर किया था और आप जानते हैं किस बारे में बात कर रहे हैं। उसमें जब ये चीज़ हमारे हमने भी चीज़ को देखा और उसको पूरा उसका एनालिसिस किया, तो ये जानने में आया कि 2 बच्चियों का जो नाम बदल के इंटरव्यू छापा गया था, उस बच्चियों का बेस क्या था, वो वहाँ क्यों थी, नारी निकेतन और बालशाला में क्यों थी। तो जब उसको तह तक गए तो उसमें समझ में आई बात कि 2019 में एक मुकदमा दर्ज हो जाए हनुमान नगर थाना क्षेत्र में, उसमें एक लड़की देश शोषण की कंप्लेंट लगाती है, और जब ये चीज़ तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आती है तो उसमें डिटेल्ड में तह तक जाते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और ये चीज़ समझ में आती है कि इसमें सिर्फ एक राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल शनिवार को भिलवाड़ा के एक दिवसीय दौरे पर रहीं। बेनीवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर आशीष मोदी, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बाल अधिकार संरक्षण विषय पर चर्चा की। बैठक के पश्चात उन्होंने राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल में भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में बेनीवाल ने पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, श्रम विभाग तथा बाल कल्याण समिति के अधिकारियों सदस्यों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बेनीवाल ने कहा कि जिले के पंडेर क्षेत्र में मीडिया रिपोर्ट में आई घटना पर बाल आयोग ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और 3 दिवस के भीतर रिपोर्ट ली। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह पता लगा है कि यह घटना 2019 की है, जिसमें 6 में से 4 बच्चियों का पुनर्वास कर दिया गया है और 2 बच्चियों को बालिका गृह में भेज दिया गया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बाल श्रम, देह व्यापार जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए अधिक से अधिक लोगों में इस संबंध हेतु जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी को अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के भी निर्देशित किया।
बैठक में जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बाल संरक्षण बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि जिले में बाल अधिकार संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बनिवाल बैठक के पश्चात राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट का जायजा लिया। इसके अलावा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से भी घटना की जानकारी ली। अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए व्यवस्थाएं सुधारने के भी निर्देश दिए। बनिवाल ने संवेदना व्यक्त करते हुए दो बच्चों की मौत की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बाल आयोग ने इसे गंभीरता से ले लिया है, इस घटना में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डॉक्टर शिल्पा सिंह, उपखंड अधिकारी डॉक्टर पूजा सक्सेना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता धर्मराज, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सत्यपाल जांगिड, उप श्रम आयुक्त करण सिंह यादव, बाल कल्याण समिति के सदस्य एवं पुलिस एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे। अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबके माध्यम से एक खबर चली थी बच्चियों को लेकर, चाहे बच्चियों को स्टाम्प के माध्यम से बेचने की बात चल रही हो, चाहे बच्चियों को इंजेक्शन लगाने की बात चल रही हो, चाहे बच्चियों को देह व्यापार में बेचने की बात चल रही थी, उसको लेकर बाल आयोग ने जैसे ही इस मामले की जानकारी प्राप्त हुई इसको तुरंत प्रभाव से प्रसंज्ञान लिया। पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट 3 दिन में चाहिए, और जब मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पता लगा कि यहाँ के अस्पताल में दो बच्चों के अधिक बर्न हीट जो है वो ज़्यादा होने की वजह से दोनों बच्चे बर्न होकर जब डेथ होने की बात आई, तो दोनों घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए तुरंत प्रभाव से मैं स्वयं आज भिलवाड़ा एक दिवसीय दौरे पर पहुँची और यहाँ पर अचानक आज बैठक रखी, जिसमें जिला कलेक्टर SP महोदय के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग व सभी अन्य विभागों के अधिकारीगण यहाँ उपस्थित रहे। पूरे मामले की जड़ तक मैं पहुँची, पूरे मामले की वस्तुस्थिति जब मैंने जानी और लिखित में पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट ली, उसके बाद जब पता लगा कि यह जो घटनाक्रम है वो 2019 का था, जिसमें 6 बच्चियों के साथ, जो बच्चियाँ राजस्थान से बाहर की भी थी और बहुत छोटी उम्र में उन बच्चियों को अगवा कर राजस्थान लेके आ गए थे, उन बच्चियों को, छह बच्चियों का जब बयान के बाद में उनको बालिका गृह भेजा गया, उनमें से 4 बच्चियों को पुनर्वास कर दिया गया है, 2 बच्चियों के अभिभावकों की अभी तक जानकारी नहीं मिलने पर बच्चियां बालिका गृह हैं। मैं अजमेर बालिका गृह भी जाऊँगी, उन बच्चों से भी बातचीत करूँगी, उन बच्चियों से एकांत में व्यक्तिगत बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी लूँगी। यहाँ अधिकारियों द्वारा भी जानकारी दी गई है कि 2019 की ये घटना थी, उसके बाद ऐसी कोई घटना अभी तक प्रशासन के ध्यान में नहीं आई है, परंतु फिर भी स्पष्ट दिशा निर्देश मेरे द्वारा यहाँ के सभी अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि चाहे वो बाल श्रम की बात हो, चाहे अन्य राज्यों में बच्चियों को बेचने की बात हो, अधिक उम्र के व्यक्ति से विवाह की बात हो, देह व्यापार की बात हो, इन सभी चीज़ों पर अंकुश लगाते हुए अधिक से अधिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा गया कि अधिक से अधिक शिक्षा से बच्चियों को जोड़ा जाए, ताकि हम इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। भिलवाड़ा का अति प्राचीन, लाखों भक्तों का आस्था का केंद्र श्री पंचमुखी दरबार हनुमान मंदिर में शुक्रवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और महाभोग की प्रसादी ग्रहण की गई। इस अवसर पर अनेकों महात्मा उपस्थित थे। प्रसादी पूर्व महाआरती की गई थी। मंदिर के सज्जा मनोरम मनमोहक दृश्य के साथ भक्तजन आनंद विभोर हुए। मंदिर के महंत लक्ष्मण दास जी महाराज ने बताया कि कोरोना काल के बाद यह सब जन कल्याण और विश्व शांति के लिए मनाया गया है। मैं सभी भीलवाड़ावासियों, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाएँ व्यक्त करता हूँ अपनी ओर से। सभी को भगवान पूरे देश को आनंद मंगल करें। इसके साथ ही इस दीपावली पे महाकालेश्वर भगवान का जो कॉरिडोर सुगमता से महाकाल के दर्शन हो, ये व्यवस्था भारत सरकार ने की है और वहाँ की ट्रस्ट ने की है। मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भारत सरकार के शीर्ष व्यक्तियों से लेके उसमें जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, सभी देशवासियों को भी इसकी बधाई, और सभी को आनंद मंगल हो, देश में सुख शांति रहे। इसी के साथ मेरी ओर से सभी को जय श्याम। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक।
श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से दिवाली धमाका जहां स्मार्ट एलईडी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, आयरन, वाटर हीटर, मिक्सर ग्राइंडर, स्मार्टफोन्स, सिलाई मशीन, आटा चक्की, गैस स्टोव, म्यूजिक सिस्टम, सारे ही होम अप्लायंसेस स्पेशल ऑफर पर उपलब्ध है, जहां हर प्रोडक्ट पर 80% की छूट है। फाइनेंस बजाज, HDFC, HDB, IDFC शॉप से पेन लैब के द्वारा किया जा रहा है। कैशबैक ऑफर्स, लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड के भी ऑफर्स है। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, आसान किस्तें, 5 मिनट में अप्रूवल, कम कागजी कार्रवाई, सुनिश्चित उपहार। श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्थान कमर्शियल हाउस के पास, 100 फीट रोड। मोबाइल नंबर 9314469710, 9950862870, 8003890594। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, फुलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांझलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध है। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधारकर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनित कुमार एम टीम उदयपुर। इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, फिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, फिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, आरसी व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह काछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज, 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम कामधेनु गोशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय, MGH परिसर, फिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वरवधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरनी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ अन्य जानकारियां। शनिवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चौथे स्थापना दिवस पर रालोपा संयोजक नागौर सांसद हनुमान बेलीवाल के निर्देश पर भिलवाड़ा जिला मुख्यालय पर समस्त रालोपा कार्यकर्ताओं ने आरएलपी नेता बद्रीलाल जाट के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता सूचना केंद्र पर एकत्रित होकर के विशाल वाहन रैली के माध्यम से गोलप्याव चौराहा रेलवे स्टेशन से होते हुए मुखर्जी उद्यान कलेक्ट्री पहुंचे। इस दौरान रेलवे स्टेशन के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोर शोरों से रैली का स्वागत किया, जहाँ मुखर्जी उद्यान में पार्टी नेता बद्रीलाल जाट की अध्यक्षता में पार्टी का कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। स्नेह मिलन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काट करके पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान स्नेह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए बद्रीलाल जाट ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। कार्यकर्ताओं के दम पर ही पार्टी 2023 में सत्ता के शिखर पर पहुंचेगी। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि पार्टी की रीति नीति को गाँव गाँव ढाणी ढाणी तक पहुँचाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ खुद को हनुमान बेनीवाल बनकर के काम करना पड़ेगा, तथा वाहन रैली और स्नेह मिलन में पधारे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को भील समाज के प्रदेशाध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता नारूलाल भील और एडवोकेट चित्रंजन पांडे, जीवाखेड़ा सरपंच शोभालाल जाट ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर युवा मोर्चा असम जिला प्रभारी नानू राम मवाल, युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री राजेंद्र जाट नाहरगढ़, हमीरगढ़ मंडल अध्यक्ष रामलाल गाडरी, बनेड़ा मंडल अध्यक्ष नारायण कुमावत, उपाध्यक्ष रामधन सारण, सत्यनारायण मेघवंशी, ब्लॉक सचिव कमलेश लाठी, एमएलए अध्यक्ष प्रत्याशी मनीष पपलाज, वीरेंद्र सिंह चंडावत, कैलाश भाटी, मदन रेबारी, सोनू खटीक सहित कई लोग और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भिलवाड़ा शहर के समीप बड़ी हरणी में दिया परिवार द्वारा दीपावली स्नेह मिलन और सत्संग भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिया परिवार के कन्हैयालाल, सोहनलाल, हरिशंकर, बनवारीलाल, मोहन, प्रहलाद, जमनालाल, सावन, विक्रम, पवन, बबलू, ऋतिक, गोविंद कुमार द्वारा सभी आगंतुकों का माला और दुपट्टा उड़ा करके स्वागत किया गया। भजन संध्या में भवानी दास महाराज, सोहनलाल तेली, राम सुख पंडियार, मानाजी गुर्जर, कृष्ण प्रजापत, बालू सुथार, कन्हैयालाल सेन सहित भजन गायकों द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, राजेश सेन, एडवोकेट ओम प्रकाश तेली, नाथूलाल दिया, महावीर प्रसाद, शिवलाल नवल किशोर, सुखदेव जरवाल सहित कई लोग मौजूद थे। हरि राम बुलावा भेदिया तो दिया कबीरा रोय, ज्ञान भारती सत्संग में सुधरिया, ज्ञान भारती बोबे कुंटाला सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी तो घर पापी के भी हो। आज राज्य स्तरीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन भिलवाड़ा में किया गया। महोत्सव के उद्घाटन सत्र में राजस्थान क्षेत्र के संस्कृति बोध संयोजक रमेश चंद्र शुक्ल ने महोत्सव की पूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि इस महोत्सव में जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़ संभाग के जिसको विद्या भारती में प्रांत कहते हैं से विजेता प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें कक्षा अनुसार चार वर्ग बनाए गए, शिशु, बाल, किशोर और तरुण वर्ग की प्रश्न मंच प्रतियोगिता, कथा कथन, तत्कालिक भाषण और आचार्यों की पत्र वाचन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।
इस प्रतियोगिताओं में प्रथम आने वाले छात्र आचार्य राष्ट्र स्तर पर आयोजित होने वाले संस्कृति महोत्सव में भाग लेंगे और 11 नवंबर को प्रयागराज में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता राजस्थान क्षेत्र के संगठन मंत्री शिव प्रसाद ने अपने उद्बोधन में महोत्सव में आए प्रतिभागियों को आह्वान किया कि वे भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के वाहक बनकर के भारत के द्वारा विश्व कल्याण की भावना जन जन में संचार करने में अपनी भूमिकाएं निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत को जानकर ही भारत निर्माण में अपनी भूमिका निभाई जा सकती है। उन्होंने स्वदेशी व्रत का पालन करते हुए अपनी मातृभाषा वेशभूषा और अपनी परंपराओं के संवाहक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति विश्व का कल्याण करने वाली है, इस पर हम गर्व करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी दें, तभी संस्कृति महोत्सव मनाना सार्थक होगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय प्रतिनिधि डॉक्टर संतोष आनंद ने महोत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आह्वान किया। अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए देश के प्रति गौरव का भाव जगाने हेतु ये प्रयास निरंतर जारी है। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की योजना से विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान द्वारा यहाँ पर भीलवाड़ा में संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और यह संस्कृति बोध परियोजना के माध्यम से बालकों के अंदर देशभक्ति और अच्छे संस्कारों का निर्माण करना, देश के समाज के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने ज्ञान विज्ञान के बारे में जानकारी देना, इसका मूल उद्देश्य है। यह जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है इसमें पूरे राजस्थान के सभी संभागों से प्रतिभागी सम्मिलित हो रहे हैं और यहाँ पर प्रश्न मंच, कथा कथन, आशु भाषण और पत्र वाचन, इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित हो रही है। और इसके साथ ही हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस संस्कृति बोध परियोजना के माध्यम से विद्या भारती देश भर के अंदर जो 23,000 से अधिक विद्यालय चला रही है, वही नहीं अपितु अन्य जो संस्थाएं चलती है या राजकीय विद्यालय है, उनके भी सभी लोग इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और इस आयोजन को सफल बनाते हैं। हम सभी समाज से निवेदन करते हैं कि ऐसे आयोजन में जिसमें बालक में संस्कार देशभक्ति का निर्माण होता है, ऐसा आयोजन में सहभागी बनना चाहिए। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में दो बच्चों के जलने से हुई मौत के मामले में जाँच के लिए एक और उच्च स्तरीय 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है जो विस्तृत जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं अस्पताल के लेबर रूम में अब रोटेशन के आधार पर नर्सेज कर्मचारियों की तैनाती होगी। जिला कलेक्टर सभागार में शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गोंड ने यह जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि दो बच्चों की मौत के मामले में लापरवाही 3 कर्मचारियों को नोटिस दिया गया है जबकि 2 संविदा कर्मियों को हटाया दिया गया है। 2 डॉक्टरों से जवाब भी तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन भी किया गया जो पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट सौंपेगा। लेबर रूम में मिठाई के नाम पर वसूली के समाचारों को लेकर के अधीक्षक ने कहा कि वहां किसी तरह की मरीजों को परेशानी और किसी तरह की वसूली न हो, इसके लिए अब लेबर रूम में रोटेशन के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। डॉक्टर गोंड ने बताया कि आज राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने अस्पताल का जायजा लिया था। उन्होंने माना कि अस्पताल की सेवाएं संतोषजनक हैं लेकिन काम का दबाव अधिक है। लेबर रूम में प्रतिदिन क्षमता से अधिक डिलीवरी हो रही है और आउटडोर में भी मरीजों का भार काफ़ी है। गौड़ ने कहा कि जल्द ही अलग काउंटर बनाकर के मरीजों को संतोषजनक व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। अस्पताल की अन्य व्यवस्थाओं को समस्याओं को भी सुधारा जाएगा। कैंटीन को लेकर के रात्रि में व्यवस्थाओं को सुधारने का मामला भी उठा, इस पर पुलिस अधीक्षक ने संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सिजेरियन हुए हैं या ऑपरेशन हुए हैं या डिलीवरी के बाद जिनके बच्चों को एनआईसीयू की आवश्यकता है, वो इसलिए बना गया है ताकि वो भर्ती महिलाएं तो करीब करीब ठीक हैं लेकिन उनके बच्चे एनआईसीयू में भर्ती हैं, तो जो हमारे यहाँ इंडोर में एडमिटेड महिलाएं उनको एनआईसीयू वार्ड में भर्ती रखा जाता है और उनके बच्चे एनआईसीयू में रहते हैं। दूसरे बच्चे वो होते हैं सर जो बाहर से रेफर होकर आते हैं, जिनके बच्चे तो अस्वस्थ हैं लेकिन महिलाएं स्वस्थ हैं, तो जो स्वस्थ महिलाएं हैं उनके लिए हमारा एमसीएच की जो नई बिल्डिंग जो कुछ साल पहले बनी थी सर, वो सिर्फ 100 बेड की स्ट्रेंथ पे बनी थी, आज वहां पर डे। गुड़ला क्षेत्र के सेतुरिया ग्राम के अंतर्गत गोवलिया कानपुरा दाता का खेड़ा से रतनखेड़ी पहुना को भीलवाड़ा चित्तौड़ को सीधे तौर पर जोड़ने के सैकड़ों लोगों द्वारा इस रास्ते से आना जाना बना रहता है। कम दूरी पर इस रास्ते से पहुंचा जा सकता है। पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग दोनों एक दूसरे का रास्ता बता करके कार्य में रुकावट होने से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, परंतु रास्ते पर खड्डे, कंक्रीट, रास्ते पर बनी धारियां, बबूल से दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। पंचायत समिति सुवर्णा के सेथुरिया पंचायत है। अब क्षेत्र के लोगों द्वारा विधायक से अपील की गई है कि रास्ते के निर्माण करवाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मांडल जनप्रतिनिधियों ने दीपावली स्नेह मिलन मनाया, नरेगा श्रमिकों के साथ में मनाया।
मजदूर संघ अध्यक्ष मांडल एवं साथियों द्वारा आयोजित दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में प्रधान शंकरलाल कुमावत साथियों के साथ नरेगा साइट पर पहुंचे, जहां ढोल नगाड़े से जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। जनप्रतिनिधि श्रमिकों के संग पहुंचते ही सभी श्रमिक खुश से झूम उठे। प्रधान कुमावत ने सभी को मिठाइयां बांट करके दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि राजस्व मंत्री रामलाल जाट के दिशा निर्देश के अनुसार दीपावली स्नेह मिलन क्षेत्र की आम जनता गरीब मजदूर के संग मनाने के लिए सोच रही है कि कोरोना के बाद पहली बार दीपावली पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, तो सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि मनरेगा में पहुंचकर गरीब मजदूर के संग यह स्नेह मिलन कार्यक्रम किया जाए, जिससे कि आम जनता का मनोबल बढ़े और अपनी समस्याओं का सीधा संवाद प्रतिनिधियों से हो सके। श्रमिकों द्वारा बताई समस्याओं का समाधान अधिकारी से संपर्क कर हल करने का आश्वासन दिया। मांडल सरपंच संजय भंडिया ने राजस्थान सरकार की नरेगा की 100 दिन को 125 दिन करने पर गहलोत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कल्याणकारी योजनाओं को सराहनीय बताया। उपस्थित महिला श्रमिकों ने नृत्य करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सत्यनारायण मंडोवरा, सरपंच संजय भंडिया, कमठाना मजदूर संघ अध्यक्ष घनश्याम जोशी, पार्षद सत्यनारायण कुमावत, पत्रकार संघ मांडल अध्यक्ष सुरेंद्र सागर, मेड संघ अध्यक्ष बालू सोनी, दीपक जोशी, किशन गाडरी सहित कई श्रमिक और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस पहली बार इस तरह का आयोजन देख करके सभी क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल था। भिलवाड़ा का अति प्राचीन लाखों भक्तों का आस्था का केंद्र श्री पंचमुखी दरबार हनुमान मंदिर में शुक्रवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और महाभोग की प्रसादी ग्रहण की। और आपका जो फार्म बड़ोड़ा है जिला मुख्यालय पर बढ़िया का है मजदूर संघ ऑफिस में, तो जल्दी जल्दी आपको मैं ये समस्या को निदान कराऊं। और लेकिन अशांत को कार्यक्रम आप दीपावली मिलन समारोह का काम पहली बार जो मैं धरती पर दे रही राजस्थान सरकार ने अपन धन्यवाद देनो है कि आकई हिंदुस्तान में जो नरेगा चल रही है 100 दिन बरसों बढ़ता आ रही है, लेकिन पहली बार राजस्थान का मैंने गहलोत सरकार अब अगर 25 दिन बढ़ार 125 दिन तक गए हिंदुस्तान में कटे ही न हो जाए यो बोलो आपको राजस्थान में और अब आपा का नगर पालिका में नगर परिषद में भी वो सरकार या चालू कर दी। इसलिए सरकार अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।